गुलबर्गा वार्ड नंबर 24 मोमिनपुरा में नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा की लीडरशिप में हाजीवाड़ी पानवाली गली रंगीन मस्जिद गंजे रेहान कट्टा रोशन मंडी हिदायत आरी होटल कुरैशी मस्जिद और दीगर तमाम इलाकों में पैदल यात्रा कर डोर टू डोर आवाम से मुलाकात कर लोकसभा कांग्रेस कैंडिडेट राधाकृष्णन रुड्डीमणि जी को जिताने की गुजारिश की गई है। कॉरपोरेटर आलमदार जैदी की निगरानी में यह पैदल यात्रा हुई जिसमें मोमिनपुरा इलाके की आवाम ने एमएलए कनीस फातिमा से वादा किया है कि ये पूरी शिद्दत के साथ वोट कर इस बार फासिस्ट ताकतों को इख्तदार से दूर रखने में कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करेंगे। इस यात्रा के दौरान तोला साहब इपरगा सिराज उस्ताद एंड टीम ने एमएलए कनीस फातिमा की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। एमएलए कनीस फातिमा के साथ फराजुल इस्लाम अमरुल इस्लाम जैदुल इस्लाम नईम खान अजमल गोला खुशरो जागीरदार रियाज भटको गौस मतेमुड़ अजीम शेख अली जैदी शफी हुंडेकर और दीगर कांग्रेस लीडर्स कॉरपोरेटर्स कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। इस पैदल यात्रा से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा। जो बात करे देश की जरूरत है, हक की जो बात करे देश देता हिम्मत है। युवाओं में जाकर एक जज्बा जगा कर हम नौकरियां पक्की करेंगे, किसानों के हक में जुड़े हम रहेंगे, हर एक की तरक्की करेंगे। आबादी है आधी पर हक पूरा रखते हैं, घर भी चलाते कमाई भी करते हैं। नफे मुनाफे के आगे चलेंगे तो हिस्सा अधिक का मिलेगा, सीने की हिम्मत को मेहनत की कीमत से ज्यादा का सिक्का मिलेगा। घर घर प्रगति की रफ्तार बदल देगा, कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। बात नहीं बात हिस्सेदारी की, काफी पब्लिक जमा है यहाँ पर, मर्यादा करने की काफी जमा किए हैं और काफी अच्छा रेस्पॉन्स है यहाँ पर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस तरह से रेडी साहब ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराएंगे और राधा कृष्ण साहब को जिताएंगे। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है यहाँ के आवाम से भी कि अच्छी पोलिंग करके अच्छी लीड दिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज संडे के दिन वार्ड नंबर 24 में मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम की पदयात्रा रही, जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार मैडम को सपोर्ट मिल रहा है। मैडम जो नॉर्थ में काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई मामूली बात नहीं कि हम मैडम के साथ इतने दिन से जब फिर रहे हैं तो हम नौजवान होकर हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, हम एक वार्ड में थक जा रहे हैं। मैडम जो सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर जो पार्टी के लिए जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए राधा कृष्णा साहब को जिताने के लिए जो खड़गे साहब को एक हमारे इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनाने की जो कोशिश मैडम की लगी है, मैडम एमएलए इलेक्शन में भी काम किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैडम की जीत के बाद एमएलए इलेक्शन की उससे ज़्यादा मैडम डोर टू डोर फिर कर काम कर रहे हैं। तो मैं मेरे वार्ड नंबर 24 की आवाम से बस यही कहता हूँ कि वार्ड नंबर 24 की आवाम मैडम के लिए, मैडम को मजबूत करने के लिए, मैडम की एक ताकत बनाने के लिए सब मिलकर अगर सबसे ज़्यादा वोटिंग करते हैं तो इसमें मैडम का बहुत बड़ा नाम होगा। मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 24 से 80-85% अगर पोलिंग होंगी तो सबसे ज़्यादा खुशी मैडम को होगी। तो मैं मेरी पूरी तमाम मेरे वार्ड की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग कर मैडम को मैं मजबूत करें और हमारे कैंडिडेट जो है राधा कृष्णा साहब इंशाल्लाह 100% जीतने वाले हैं। अब हम जो काम कर रहे हैं लीड के लिए कर रहे हैं, ये इलेक्शन मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन पैसों के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा
खर्च करने के लिए नहीं है, ये हमारे वजूद का इलेक्शन है, ये हमारे को इंडिया में रहना है। ये तमाम NRC CAA ये गायकशी का मसला हो, ये हमारे जो UCC बिल है इसके खिलाफ अगर वोट करना है तो हमें कांग्रेस को जिताना है। इंशाल्लाह ये जितने भी बिल आए हैं ये तमाम बिल पर रोक लगेगी और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैडम का जब नाम होगा तो आने वाले दिनों में जब कैबिनेट की कैबिनेट चेंज होंगी तो मैडम अगर यहाँ से राधा कृष्णा साहब जीतते हैं तो 100% हमारे गुलबर्गा नॉर्थ से मैडम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि मेरी आवाम से वार्ड नंबर 24 में हम इंशाल्लाह मैडम को ये यकीन दिलाते हैं कि वार्ड नंबर 24 में दिन रात काम कर हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में पोलिंग कराएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब दोस्तों, हर वार्ड की तरह आज वार्ड नंबर 24 में मैडम MLA कनीस फातिमा जी की नेतृत्व में पदयात्रा निकली, जिसमें वार्ड नंबर 24 के तमाम रिहायशी रहने वाले तमाम मेरे ख्वातीन, मेरी माँ बहनें इस पदयात्रा में शामिल थे। आप देखते हैं कि इस बार का इलेक्शन ये मामूली इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन तमाम कम्युनिटी को एक साथ जोड़ने का इलेक्शन है, नफरती बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का इलेक्शन है, इन नफरती चुंटुओं को इनकी औकात बताने का इलेक्शन है। इस बार हिंदुस्तान में 7 फेस में ये MP इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 2 फेस का इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, 191 सीट्स पर पोलिंग हो चुकी है। हम देखते हैं कि दोनों फेसों में पोलिंग परसेंटेज कम हुई है, ये पोलिंग परसेंटेज कम होना कहीं ना कहीं BJP को इसका बेनिफिट जाता है, खास तौर पर गुलबर्गा नॉर्थ से। मैं तमाम मेरी आवाम से, मेरी माँ बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ, चाहे कितनी भी धूप हो, चाहे कितनी भी आपको तकलीफ हो, आपको अपना वोट कास्ट करना है। मई की 7 तारीख को आप कसीर से कसीर तादाद में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना सबूत देना है, वोट देना इस बार का बेहद जरूरी है। मेरे और आपके बच्चों का फ्यूचर ये हमारा एक वोट डिसाइड करेगा। अगर हम आज अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है आने वाले 5 साल बाद हम ये वोट डालने के लिए, अधिकार के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ेगा, हम अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तमाम सिर्फ मोदी जी 10 सालों में जिस तरीके से अपना फेस के भाषण लेते आ रहे थे, पहले फेस के इलेक्शन होने के बाद उनके सुर बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का अंदेशा है कि BJP सरकार कहीं ना कहीं डगमगा रही है। इस बार NDA की सरकार गिरने वाली है, इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से काम करने वाला है, काफी मजबूती से वो चल रहा है। चाहे आप जेल में डालो इंडिया गठबंधन के जितने भी नेताओं को, चाहे जेल में डालो, चाहे जितना भी ED CBI करप्शन सारे EVM पैड आपके हाथ में है, हमारे पास पूरे नौजवानों की, पूरे देश के सेकुलर लोगों की ताकत हमारे साथ में है। कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, AICC के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं फिर एक बार तमाम वार्ड नंबर 24 की आवाम का दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और गुलबर्गी की आवाम को यह मैसेज देना चाहता हूं कि हम यहां से ऐसी ताकत बनकर उभरेंगे कि गुलबर्गा नॉर्थ की हिजाबी MLA जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में वो मशहूर है, उसी तरीके की पोलिंग, उसी तरीके का परसेंटेज, उसी तरीके से यहाँ पे RK साहब को हम जिता के बताएंगे। कांग्रेस का निशान हाथ है, 2 नंबर पे बटन दबाना है, 2 नंबर पे बटन को दबाना है, मोदी को दिल्ली से डिलीट कराना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन, मैरिज, एंगेजमेंट, एथनिक वेयर्स, पार्टीज, फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा।